जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। उमर अब्दुल्ला की नवगठित सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया। उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सर्वसम्मति से जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंजूरी दे दी है। अब उमर अब्दुल्ला केंद्र सरकार से इस पूरे मसले पर चर्चा करेंगे। वहीं विपक्षी दलों ने इस प्रस्ताव की आलोचना की है। उनका कहना है कि सरकार ने चुनाव के दौरान धारा 370 बहाली का वादा किया था, लेकिन अब इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। कैबिनेट ने 4 नवंबर को श्रीनगर में विधानसभा सत्र बुलाने का भी फैसला लिया है। अब देखना होगा कि उमर अब्दुल्ला की सरकार अपने राज्य के दर्जे की बहाली के वादे को किस हद तक पूरा कर पाती है। जुड़े रहिए हमारे साथ ताज़ा खबरों के लिए।